हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुस के में। हम चैनल उपचानुस के में रोज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। करते हैं शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग तो जरूर जान लें ये बातें। आज के समय में खूबसूरत बाल कौन नहीं चाहता। हम सभी लोग अपने बालों को सुंदर बनाए रखने के लिए बालों की प्रकृति के अनुरूप ही अपने शैम्पू का चयन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जितना समय आप अपने बालों के लिए शैम्पू का चयन करने के लिए लेते हैं, उतना ही समय आपको अपने बालों के कंडीशनर लेते समय भी लेना चाहिए। हम में से ही कई लोग जिस ब्रांड का शैम्पू प्रयोग करते हैं उसी ब्रांड का कंडीशनर भी प्रयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। हो सकता है कि आपके सिर की त्वचा ऑयली हो, जिसके लिए आपको ऐसे शैम्पू के प्रयोग की जरूरत हो जो आपके स्कैल्प को ऑयल फ्री रख सके। और यदि आपके बालों का निचला हिस्सा ड्राई या फिर बेजान है तो इसके लिए आपको अलग तरह के कंडीशनर की जरूरत होती है। ध्यान रखें कि ये दोनों समस्याएं अलग अलग हैं, इसलिए सिर्फ एक ही ब्रांड के शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। एक जैसे शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग कब ना करें। दोस्तों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि शैम्पू का प्रयोग बालों की जड़ों के लिए किया जाता है, जबकि कंडीशनर का प्रयोग बालों के सिरों को मॉइस्चराइज करने के लिए। ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। इसलिए जो ब्रांड आपके बालों की जड़ों के लिए उपयुक्त है, जरूरी नहीं कि वही ब्रांड आपके बालों के सिरों के लिए भी सही हो। एक ही ब्रांड का कंडीशनर प्रयोग करने के बाद आपके बाल और अधिक रूखे और बेजान हो सकते हैं, इसलिए किसी एक ही ब्रांड को चुनने की भूल ना करें। अपने बालों की प्रकृति को समझें और उसी के अनुसार शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग करें। बालों के लिए सही प्रोडक्ट का चयन। वैसे तो आजकल बाजार में कई तरह के शैम्पू व कंडीशनर मौजूद हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग, स्मूथनिंग और वॉल्यूमिंग आदि। आपको अपने बालों की उचित देखभाल के लिए शैम्पू व कंडीशनर खरीदते समय बालों की जड़ों और सिरों दोनों को ध्यान में रखना होता है। अगर आपके सिर की त्वचा ड्राई है वह बाल बिल्कुल ठीक है तो आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का चयन करें। लेकिन अगर आपका शैम्पू और कंडीशनर दोनों मॉइस्चराइज्ड हैं तो इससे आपके बाल और भी ज्यादा ऑयली हो सकते हैं, इसलिए दोनों चीजों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाकर चलें। एक ही ब्रांड का शैम्पू व कंडीशनर कब लें। यदि आपको डैंड्रफ या फिर खुजली जैसी समस्या हो तो आप एक ही जैसे ब्रांड का शैम्पू व कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एंटी डैंड्रफ शैम्पू के प्रयोग के बाद एंटी डैंड्रफ कंडीशनर का प्रयोग किया जाए तो यह बालों को लाभ पहुंचाता है। अतः अपने बालों की प्रकृति के अनुसार ही अपने लिए एक बेस्ट शैम्पू व कंडीशनर का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।